पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जयसु, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में स्वागत है। हर इतवार की भांति इस इतवार भी हम आपके साथ इस समय जुड़े हैं। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा और अपना अनुग्रह प्रदान करें। हम सभी मिलकर इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे और स्तुति आराधना के बाद पवित्र वचन को सुनेंगे, उसके बाद आराधना और चंगाई प्रार्थना में भाग लेंगे। आप सबों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस पूरे सत्संग में पूरे दिल से भाग लीजिए, पूरी भक्ति के साथ, पूरी आत्मा से, और प्रभु इस आराधना के दौरान आपके जीवन में महान कार्य करेंगे, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, अन्य लोगों को भी प्रेरित करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी हमारे साथ मिलकर, हम सबों के साथ मिलकर प्रार्थना में भाग ले सकें। जो जो प्रार्थना की आवश्यकता में हैं, रोगी हैं, उन तक अवश्य इस प्रार्थना को पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप फिलिपियों के पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 8 में पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस कहते हैं, इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं। मेरे पीछे दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएंगे, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि ईसा मसीह मुझ में जीवित हैं। फिर से दोहराएंगे इस वचन को, बोलिए, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि ईसा मसीह मुझ में जीवित हैं। मेरे लिए जीवन है तो मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तू ही मेरा जीवन है, तू मेरे जीवन का आधार है, तुझ में ही मेरा जीवन है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा स्वामी है, तू पिता का इकलौता पुत्र है। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तू राजाओं का राजा है, हम तेरी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद,
यीशु की आराधना हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो, अब्बा पिता की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के इस समय अपने अपने शब्दों में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया में अगर नाम मसीह ना होता तो कोई शख्स गुनाहों से आजाद ना होता। ना होते अगर आत्मा से पैदा यीशु तो होता है खुदा कैसा, ये मालूम ना होता। क्योंकि यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो ना होते अगर आत्मा से पैदा यीशु तो होता है खुदा कैसा, ये मालूम ना होता। इसलिए हम एक सुंदर गीत गाएंगे, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हमारे पीछे पीछे दोहराते जाइएगा। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। गाए मसीह बिना जीना बेकार है, बड़े अच्छे से गाइए। वही मेरे जीवन का आधार है, बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। गाएं मसीह बिना जीना बेकार है, आमीन। वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नमा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हाँ, जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा।
मसीह मुझ में है, क्योंकि आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, एक साथ मिलके मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, उठाके मैं चलने लगा, उठाके मैं चलने लगा। मेरा खुदा यीशु मसीहा, मेरा खुदा यीशु मसीहा। क्रूस उठाके मैं चलने लगा, उठाके मैं चलने लगा। मेरा खुदा यीशु मसीहा, चलने लगा जाए, चलने लगा। मेरा खुदा यीशु मसीहा गाए, मेरा खुदा यीशु मसीहा। उस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। गाए उस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीह है, मरना नफा है, 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 ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्या आपके जीवन का आधार मसीह है? अगर मसीह आपके जीवन का आधार है, यदि आप सोचते हैं कि आप मसीह में जिएंगे, मसीह में मरेंगे, तो इस समय पूरी दिल से, पूरे मन से हमारे साथ मिलकर गाते जाइए, मसीह बिना जीना बेकार है। और इस जिंदगी को मसीह को अर्पित करते हुए एक साथ मिलकर गाएंगे, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है।
यीशु, सामर्थ्य से भरिए, अपने लहू से धोइए यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, अपने को शांत कीजिए, एकाग्र कीजिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपने मन और हृदय को समय एकाग्र कीजिए, सारी चिंताओं को प्रभु के सामने रखिए, सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। जो काम काज आप कर रहे थे उन सारे काम काज को समय प्रभु के हाथ में दीजिए। इस एक डेढ़ घंटे में पूरी तरह से प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु के सानिध्य में बैठने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, यह समय अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उसे भर दूंगा। आप जितना अपनी आत्मा का मुंह खोलेंगे, जितना अपने मन और हृदय का मुंह खोलेंगे, उतना प्रभु भरेंगे। खोलिए खोलिए खोलिए, विश्वास में, एकाग्रता में, प्रार्थना में अपने मुंह को खोलिए। प्रभु के अनुग्रहों को आपकी ओर बहने दीजिए, प्रभु की कृपा को आपकी ओर बहने दीजिए। पवित्र वचन में बताता है कि हमारा ईश्वर उदार ईश्वर है, सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, अपनी बात को ना बदलने वाला प्रभु है। एज़ेकियल अध्याय 12 उसके वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं 25 में कि जैसे मैं कहूंगा वैसे मैं करूंगा। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए, प्रभु की उपस्थिति अनुभव करना। अपने दिल के हर प्रकार के बोझ को इस समय प्रभु के सामने लाना। संसार के लोगों के सामने रोना नहीं, अपना दुखड़ा पेश नहीं करना है, बल्कि प्रभु के सामने रोना, प्रभु के सामने पेश करना। जीवन के हर दर्द पीड़ा को इस समय प्रभु के सामने लाइए, परिवार के बोझ को प्रभु के सामने लाइए। बोलिए, प्रभु तूने आवाज दी और मैं आया हूं, मैं विश्वास के साथ तेरे दरबार में आया हूं। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तेरे पास मेरे सवालों का जवाब है, मेरी समस्याओं का समाधान है। प्रभु मैं कहां जाऊं तेरे वचन में, जिस तरह पेत्रुस ने कहा कि हम जाएं तो कहां जाएं, तेरे वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। विश्वास के साथ आया हूं प्रभु, विश्वास के साथ आए हैं, ये पूरा परिवार तेरे सामने समय बैठा हुआ है। प्रभु आशीष देना, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को खुला रखने मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना इस समय, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा आइए, हमारे मनों को आलोकित करने के लिए आइए, हमारे दिल के दुख और पीड़ा की उस बोझ को उतारने के लिए आइए। आइए पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध और पवित्र करने के लिए, मेरे मन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए, आलोकित करने के लिए आइए। तेरे उस ताप से मेरे हृदय के अंदर जो ठंडापन, उसे मिटाइए। पवित्र आत्मा का आह्वान करें, पवित्र आत्मा का आह्वान करें, पवित्र आत्मा को बुलाएं। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। इस समय हमारे भाई बहन के साथ पवित्र आत्मा के आदर में गीत गाएंगे, अपना मन पूरी तरह से उस पर लगाएंगे और पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में ले, हमारी बुद्धि मन हृदय आत्मा को अपने अधिकार में ले, हमारे इंद्रियों को, हमारी लैंगिकता को, हमारे शरीर को अपने अधिकार में ले। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा।
अपनी आंखें खुलें, सब कुछ है यीशु। फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आपने ख्याल किया होगा हर बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रभु को हम यही दे सकते हैं। हम पापी हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं,
प्रभु के सारे अनुग्रहों के लिए बार बार हमें प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए और अन्य कार्यक्रमों के लिए भी जिसमें आप सहभागी होते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान आप में से कई लोग जानबूझकर अपने प्रतिदिन के जीवन में प्रभु का वचन सुनने के लिए समय निकालते हैं, प्रार्थना करने के लिए समय निकालते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैंने कई बार कहा है कि कुछ साक्ष्य आपके सामने रखूंगा ताकि आपका विश्वास और बढ़े। वाराणसी के बुलनपुर से संदेश मिला है कि एक युवक जो कई दिनों से मानसिक रोगी था, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने से स्वस्थ हो गया है। आज वो पूरी तरह से शांत है, स्वस्थ है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कलकत्ता से एक बहन ने संदेश दिया है कि उनको पेट में समस्या हुआ करती थी और वो परेशान रहती थी। बीते 25 जून में पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के दौरान जब आराधना के समय परम प्रसाद को बड़े साइज में दिखाया गया, उन्होंने विश्वास के साथ उस मोबाइल को जिसमें वो परम प्रसाद दिखाया गया था अपने पेट पर लगाया। देखिए उनके विश्वास को। उसके बाद उनको राहत मिली। दो दिन के अंदर यानी रविवार को सत्संग के दौरान ये घोषणा हुई कि एक बहन जो पेट के दर्द से परेशान थी, प्रभु उनको चंगा कर रहे हैं। और उसी वक्त उस बहन को पूर्ण चंगाई मिली। आज तक उन्होंने कहा उनका पेट बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छा है। आइए बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। झारखंड से आशीष भेंगरा, उनको पीलिया हो गया था, बहुत बुरी अवस्था में थे, डॉक्टरों ने भी त्याग दिया था, लेकिन उन्होंने विश्वास के साथ परिवार के साथ आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया, प्रार्थना में भाग लिया और आज वो पीलिया से पूरी तरह से स्वतंत्र है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विजय बारला करके एक भाई जो पेड़ पर से गिर गए थे और उनके शरीर में बराबर दर्द होता है, बराबर दर्द होता है। 9 मई को सत्संग के दौरान ये घोषणा हुई, एक भाई जो या तो पहाड़ से या पेड़ से गिरने के कारण उनके शरीर में बराबर दर्द होता है, उस भाई को प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है उसके बाद उनके शरीर में वो दर्द बिल्कुल नहीं है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। शर्मिष्ठा मेटी करके एक बहन जो वेस्ट बंगाल की है, शायद आपको आपने ये संदेश सुनाया पहले भी, उन्होंने अप्रैल महीने में अपनी नौकरी छोड़ दी थी ये सोचकर कि एक नई कंपनी खुल रही है उसमें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन दुर्भाग्यवश तब तक लॉकडाउन हो गया, कंपनी नहीं खुली, नौकरी चली गई। 2 महीनों तक वो बेकार बैठी रही, परिवार चलाना मुश्किल था। उन्होंने विश्वास और भरोसे के साथ प्रार्थना की और सारे कार्यक्रमों में पूरा मन लगाकर भाग लिया और उनको 2 महीने के अंतराल में एक नई नौकरी मिल गई मल्टीनेशनल कंपनी में। और उसके लिए वो धन्यवाद देती हैं और वो बोलती हैं जीवन भर मैं बेरोजगारों के लिए प्रार्थना करती रहूंगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कई भाई बहनों ने, एक नहीं दर्जनों दर्जनों भाई बहनों ने ये संदेश दिया है कि उनको कोविड पॉजिटिव हो गया था लेकिन प्रभु के इन सारे कार्यक्रमों में भाग लेने से उनको बिना परेशानी से छुटकारा मिला है, चंगाई मिली है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, चारों सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जब इस संसार में आए और वे सार्वजनिक कार्य शुरू किए, उस समय से सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, अवधूत ग्रस्तों को छुटकारा देते थे, मृतकों को जिलाते थे, पापमय अवस्था में जी रहे लोगों को स्वतंत्र किए थे और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए थे। इसके बावजूद एक सच्चाई यह है, अधिकतर लोगों ने, विशेष करके यहूदी धर्म के लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया। चिन्ह और चमत्कार देखने के बावजूद, उनकी दिव्य वाणी को सुनने के बावजूद,
लोगों ने, अधिकतर लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया। इस तिरस्कार के बारे में प्रभु यीशु यौहन के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में कहते हैं, प्रभु कहते हैं, दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई लेकिन मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। ज्योति संसार में आई लेकिन मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। वे अंधकार में जीना ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि उनके कर्म ही बुरे थे। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 12 में प्रभु यीशु घोषित करते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा क्योंकि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। इसके बावजूद लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया। तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 1 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु ने सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन को आलोकित किया है। सुसमाचार की ज्योति के द्वारा हमारे जीवन को आलोकित किया है और प्रभु ने ऐसा किया, इसके बावजूद लोगों ने उनका तिरस्कार किया। नतीजा क्या था? जैसा कि स्तोत्र 107 उसके वाक्य 10 और 11 में लिखा हुआ है, वहां क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है, कुछ लोग अंधकार तथा मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे। कुछ लोग अंधकार तथा मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, वे दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी का विद्रोह किया और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया। यह नतीजा था। अंधकार, मृत्यु की छाया में दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए। मेरे मन में बराबर एक सवाल खड़ा होता है, वो सवाल यह है कि हमारा भारत एक धर्म प्रधान देश है, यहां पे कई धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, इतने सारे धर्म होने के बावजूद हमारे देश की क्या स्थिति है? बड़ी दयनीय स्थिति है। कई वर्ष पहले मैंने एक टेम्पो के पीछे लिखा हुआ देखा। क्या लिखा हुआ था? मेरा भारत परेशान, 100 में 99 बेमान। मेरे मन में बात उतरती नहीं है, मैं समझ नहीं पाता हूं। इतने धर्म हैं, इतने गिरजाघर हैं, इतने मंदिर हैं, इतने पगोड़ा हैं, इतने मस्जिद हैं, इतने गुरुद्वारा हैं, इसके बावजूद ऐसा क्यों होता है? इतना अपराध क्यों? इतना पाप क्यों? लोग गिरजाघर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, इसके बावजूद एक दूसरे से घृणा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म के सारे कार्य करते हैं, इसके बावजूद कितनी बेईमानी है, लोग बेईमान हैं। इतने धर्म हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, धर्म की बातें होती है, इसके बावजूद इतना भ्रष्टाचार है, कितना अत्याचार है, कितना व्यभिचार है, कितना लोग झूठ बोलते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, झूठ का प्रचार करते हैं, झूठ का साथ देते हैं। ऐसा क्यों? इतनी चोरी, डकैती, घूसखोरी, जमाखोरी। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि ये बात गरीबों के बीच में नहीं है, शिक्षित और धनी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और इससे भी दयनीय बात यह है कि उनको पाप बोध है नहीं, घमंड करते, मैंने इतनी बेईमानी से कमाया है। इससे दयनीय बात क्या हो सकती है? ऐसा क्यों? धर्म है, धर्मी है, धार्मिक कार्य हो रहे हैं, लेकिन ईश्वर की ज्योति को अपने अंदर प्रवेश करने नहीं दिया है। ईश्वरीय ज्योति को अपने हृदय और मन में और आत्मा में उतरने नहीं दिया है।
कुरिंतियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, इस संसार के देवता ने उनके मन को अंधा बना दिया है जिससे वे ईसा मसीह के सुसमाचार की ज्योति को देख नहीं पाते। ईश्वर की ज्योति को पाने के लिए वे असमर्थ हो गए क्योंकि संसार के देवता शैतान ने उनकी आंखों को अंधे बना दिए हैं। इसलिए नतीजा पाप में जी रहे हैं। हर कोई यहां अपराधी है, पापी है। जिसको मौका मिल जाता है अपराध करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, झूठ बोलता है, भ्रष्टाचार करता है। हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 34 में प्रभु कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है पाप का दास है, और इसलिए वे पाप के दास बनकर जीते हैं। पाप से छुटकारा नहीं पाते हैं, ना पाने की कोशिश करते हैं। उनके कर्म बुरे थे, प्रभु यीशु ने कहा वे पाप के दास बनकर जीते हैं। ऐसे में समाज और मनुष्य का उद्धार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब तक मनुष्य पाप में जी रहा है, अपराधी कार्यों को करते जा रहा है, अधर्म करते जा रहा है, उसके परिणाम को भोगना ही पड़ेगा। और सच्चाई यह है, आज संसार मनुष्य के पाप का परिणाम ही झेल रहा है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ को अच्छा बनाया, लेकिन हमने सब कुछ को बुरा बना दिया है, बेकार कर दिया है। तो जब तक हमें पाप से छुटकारा ना मिले, कई लोग क्या करते हैं, पाप में जी रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, झूठ बोल रहे हैं, घृणा रखते हैं, इसके बावजूद पाप के परिणाम से छुटकारे के लिए प्रयास करते हैं, ढूंढते रहते हैं क्या उपाय है। पाप छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके परिणाम से बचने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पाप का स्वभाव विनाशकारी है। मैं कई बार बोल चुका हूं, पाप का स्वभाव विनाशकारी है। जहां पाप है वहां पर विनाश है। इसलिए पाप से छुटकारा पाना जरूरी है। पाप के क्या परिणाम है, हम संक्षेप में इस पर मनन करेंगे। सबसे पहला परिणाम अशांति। स्तोत्र ग्रंथ की अध्याय 38 उसके वाक्य 19 में स्तोत्रकार कहता है, अपने पापों के कारण मैं अशांत हूं। अपने पापों के कारण मैं अशांत हूं बताया जाता है, और हम मानते हैं कि स्तोत्र ग्रंथ राजा दाऊद ने लिखा है। राजा दाऊद ने पाप किया, क्या पाप किया? इसराइल का यशस्वी राजा दाऊद ने पाप किया, ईश्वर की दृष्टि में बहुत प्रिय राजा ने पाप किया। अपनी ही सेना के एक सैनिक की पत्नी के साथ व्यभिचार किया। जब उसको पता चला कि वो गर्भवती है, इस सती को छिपाने के लिए उसके पति को, उस सैनिक को मरवा डाला। और उस समय राजा दाऊद के ऊपर विपत्ति का ढेर आया, समस्या पर समस्या आ गई। उनका ही एक बेटा उनके खून के लिए उतावला हो गया। राजा दाऊद को यरूशलेम यानी राजधानी छोड़कर भागना पड़ा, नंगे पांव पहाड़ की ओर भागना पड़ा। राजा दाऊद कहता है, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 4 में आप पढ़ेंगे, काइन ने, आदम का बेटा काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। उसके बाद उसके ऊपर उसका दंड आया। वाक्य 13 और 14 में हम पढ़ेंगे, काइन कहता है कि यह दंड बहुत ज्यादा हो गया, मैं एक आवारे की तरह मारा मारा फिरूंगा, इसलिए कि मैंने अपराध किया, मैंने अपने भाई का कत्ल किया, मैं एक आवारे की तरह मारा मारा फिरूंगा, मैं अशांत और बेचैन रहूंगा। उसने सोचा था कि हाबिल की हत्या हो जाएगी, समस्या समाप्त हो गई, लेकिन समस्या तो अब शुरू हो गई।
कई लोग भी ये सोचते हैं कि उसकी हत्या हो जाएगी, कत्ल करवा देंगे तो समस्या समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बार की समस्या समाप्त हो गई लेकिन असली समस्या अब शुरू है। अंदर परेशानी है, बेचैनी है, अशांति है, घबराहट है, जीने को डरते हैं। पाप का नतीजा अशांति। हमें राजा साउल के बारे में पढ़ने को मिलता है, इसराइल का पहला अभिषिक्त राजा साउल। ईश्वर की दृष्टि में प्रिय था, उसने पाप किया, प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया ही, उससे बढ़कर वह दाऊद को मार डालना चाह रहा था, तलवार लिए उसकी खोज में निकल पड़ता था उसको मार डालने के लिए, हालांकि दाऊद निर्दोष था। जानते हैं सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 31 में आप पढ़ेंगे कि साउल का निधन कैसे हुआ। साउल ने अपने तलवार से अपने आप को मार डाला, आत्महत्या करता है। प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा जो तलवार उठाएगा वो तलवार से मारा जाएगा, जो तलवार उठाएगा वो तलवार से मारा जाएगा। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 9 वाक्य 6 में प्रभु का वचन कहता है जो मनुष्य का रक्त बहाता है उसका रक्त भी मनुष्य के द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। लोग सोचते हैं पाप करने से हमें समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, सच्चाई यह है असली समस्या वहां से शुरू हो जाती है। तो पहला परिणाम है जब हम पाप करते हैं हम अशांत हो जाते हैं, टेंशन में लोग रहते हैं, टेंशन में अशांत, सो नहीं पाते, भोजन नहीं कर पाते। दूसरा परिणाम है हम घायल हो जाते हैं, पाप के द्वारा हम घायल हो जाते हैं। हम क्यों पाप करते हैं? सुख के लिए, सुविधा के लिए, लाभ के लिए। लेकिन सच्चाई यह है कि पाप के द्वारा हम घायल हो जाते हैं। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 4 में लिखा हुआ है हर अपराध दुधारी तलवार के सदृश है, उसके घाव का कोई इलाज नहीं है। एवरी सिन इज लाइक ए डबल एज्ड सोर्ड। हर अपराध दुधारी तलवार के समान है, उसके घाव का कोई इलाज नहीं है। हम सुख के लिए, आनंद के लिए, मजे के लिए पाप करते हैं लेकिन उसके बाद हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे को दुख तो दिया, उससे ज्यादा हमने अपने आप को चोट पहुंचाया है। चोरी किए, गाली दिए, झूठ बोले, उस समय अच्छा लगा लेकिन बाद में हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को दुख पहुंचाया, हमने अपने आप को चोट पहुंचाया है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 उसके वाक्य 4 में वचन कहता है जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है, जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है। हर पाप के द्वारा हम अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, हम घायल होते जाते हैं। यही कारण है कि पाप के बाद हमारे अंदर शांति नहीं रहती है, टेंशन बना हुआ रहता है, आंतरिक शांति नहीं रहती है, आनंद नहीं रहता है। इसयास नबी अध्याय 1 वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे, मैं तुमको कहां मारूं, तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है, तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक घावों से भरा हुआ है, तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे, तुम्हारे अब विद्रोह के कारण तुम स्वयं घायल हो गए हो। पाप के द्वारा मनुष्य दूसरों को दुख देता जरूर है, ईश्वर को दुख देता जरूर है, लेकिन उतना ही अपने आप को घायल कर देता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा है पाप का परिणाम रोग और शाप का बंधन। आपने सुना होगा, देखा है बहुत सारे परिवारों में रोग के बाद रोग आते रहता है, एक रोग के बाद दूसरा रोग। उनका अधिकतर पैसा अस्पतालों में और दवाखानों में खर्च होता है,
रोग पर रोग, रोग पर रोग, रोग पर रोग। कई लोग यहाँ पे आश्रम में आने वाले मुझे आकर बताते थे कि स्वामी जी, प्रभु के पास आने से पहले हम लोग इतना पैसा अस्पतालों में खर्च करते थे, लेकिन प्रभु के पास आने के बाद, उनका वचन सुनने के बाद, उनके मार्ग पर चलने के बाद एक टिकिया तक नहीं खरीदते। एक सच्चाई है, मनुष्य अपने पापों के कारण रोगी बनता जा रहा है। जितना ज्यादा अपराध उतना ज्यादा रोग, उतनी ज्यादा पीड़ाएं। कई परिवारों में मैंने देखा है कि रोग पर रोग, एक के बाद दूसरा रोगी, पूरे घर से रोग मिटता नहीं है, हेरिडिटरी, मां बाप से रोग बच्चों को मिल जाता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 38 वाक्य 15, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य 15 में प्रभु का वचन कहता है, जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा वह वैद्यों के, चिकित्सकों के हाथों पड़ जाएगा। जो प्रभु के सामने पाप करता है वह चिकित्सकों से बच नहीं पाएगा, अंत में वो वहां पहुंच ही जाएगा। पाप हमें रोगी बना देता है, हमारे अंदर शाप आ जाता है, मिटता नहीं है, एक के बाद एक रोग। समाचार में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने अर्धांग रोगियों को चंगा किया। एक अर्धांग रोगी लूकास अध्याय 5 में, दूसरा अर्धांग रोगी यूहन्ना अध्याय 5 में। दोनों अर्धांग रोगियों के पापों को प्रभु ने क्षमा किया और उसके बाद चंगाई दी, क्योंकि प्रभु जानते थे कि इनके रोग की जड़ इनकी आत्मा में है। हम में से कई लोगों के रोग का जड़ हमारी आत्माओं में है। जब तक हमारी आत्माएं शुद्ध पवित्र नहीं होती है, तब तक हम चंगे नहीं हो सकते हैं। चंगे होंगे भी दवा के द्वारा, फिर हम रोगी बन जाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र 107 वाक्य 17 बार बार आपने सुना है। स्तोत्र 107 वाक्य 17 में प्रभु का वचन कहता है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। स्पष्ट शब्दों में प्रभु कहते हैं, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। हमारे पाप हमें बीमार कर देते हैं, इसको अलग मत रखिए। आप एक व्यक्ति हैं, आपका शरीर, मन, हृदय, आत्मा एक है। आप इसमें जो कुछ करेंगे उसकी तरंगें सर्वत्र पहुंच जाएंगी। आपके शरीर में हाथ में चोट लगती है तो सिर्फ यहां दर्द नहीं होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है। आपका समूचा व्यक्तित्व तो एक है, इसलिए जो भी हम करेंगे उसका नतीजा हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व तो पर पड़ता है, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व तो पर पड़ता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। तो पाप हमें रोगी बना देता है, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, हमारा जीना मुश्किल कर देता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथी बात है, पाप का परिणाम, हम पवित्र आत्मा से वंचित हो जाते हैं, हम पवित्र आत्मा से वंचित हो जाते हैं। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर है और पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। प्रभु पर विश्वास करने के कारण पवित्र आत्मा की मोहर हम पर लग गई है, पवित्र आत्मा में निवास करता है। पहला यौहन अध्याय 4 वाक्य 4 यौहन कहता है कि पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। जो पवित्र आत्मा हमें निवास करता है, हमारे पापों के द्वारा हम उस पवित्र आत्मा के सानिध्य से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए स्तोत्रकार कहता है, राजा दाऊद कहता है स्तोत्र 51 उसके वाक्य 13 में, हे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से वंचित ना कर, मुझे पवित्र आत्मा से वंचित ना कर। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास नहीं करता, पवित्र आत्मा का सानिध्य हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील नहीं होता, तो हमारे अंदर आनंद नहीं होगा, शांति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, हमारा जीवन सूखा सूखा सा हो जाएगा। तो हम पवित्र आत्मा से वंचित हो जाते हैं। हमें सैमुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 14 में पढ़ने को मिलता है, राजा साऊल ने प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया।
राजा साउल ने प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया और राजा साउल को प्रभु ने तिरस्कार किया। वाक्य 14 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा उसको छोड़ दिया और अशुद्ध आत्माएं उसको सताने लगी। पवित्र आत्मा उसको छोड़ दिया और अशुद्ध आत्माएं उसको सताने लगी। जब हम पाप करते हैं, पवित्र आत्मा ईश्वर की आत्मा को हम अपने जीवन में रहने नहीं देते। कि आपने ही जानते, कुछ लोग बहुत, उनका अंतःकरण मर चुका है, कठोर हृदय वाले हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अश्लीलता के अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं, कुछ भी कहीं भी करने को तैयार हो जाते हैं। उनका अंतःकरण एक तरह से मर गया है, उनके अंदर से पवित्र आत्मा उठ गया है, वे शारीरिक हो गए हैं, पूरी तरह से शारीरिक हो गए हैं, वासना के वश में हैं, घृणा के वश में हैं, लोभ के वश में हैं। हम सैमसन के बारे में पढ़ते हैं न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में 15-16 में। सैमसन के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा बड़ी शक्ति होती थी, उसके शरीर में बड़ी शक्ति आती थी और दुश्मन राष्ट्रों को नष्ट कर पाता था, वो दुश्मनों को हरा पाता था। लेकिन अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं कि वह एक नारी के प्रेम के वश में पड़कर अपनी शक्ति को गवा देता। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु ने उसको त्याग दिया था, पवित्र आत्मा उसको छोक दिया था। प्रभु के त्याग किए जाने के बाद सैमसन दुर्बल हो जाता है, दुश्मन उसको पकड़ लेता है और उसके दोनों आंखों को फोड़ देता है, उसको गुलाम बना देता है, दास की तरह, नौकर की तरह काम करवाता है। पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया। इसी तरह प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक यूदस, जो प्रभु के वचनों को सुनता था, प्रभु के साथ 3 साल तक रहा, लेकिन प्रभु को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वा दिया। उसके बाद उसके अंदर जो पवित्र आत्मा का निवास सान्निध्य समाप्त हो जाता है, वो निराश हो जाता है, उस निराशा में अपने आप की हत्या कर देता है। दुनिया में बहुत सारे लोग इसीलिए आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता थी समाप्त हो जाती है, या तो निराशा के कारण, उदासी के कारण, पाप के कारण पवित्र आत्मा से वंचित हो जाते हैं। पवित्र आत्मा से वंचित होने से हम लोग सूखे सूखे से हो जाते हैं। हमारे अंदर जो उमंग रहती है, जीने की आशा रहती है, जो ललक रहती है, आगे बढ़ने की इच्छा होती है, जो शांति होती है, सब भंग हो जाता है और हम खोखले हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप को हल्के से नहीं लेना। दुनिया के लोग पाप को हल्के से लेते हैं और उसका परिणाम भोग भोग कर जिंदगी गुजारते हैं। हम विश्वासियों को पाप को हल्के से नहीं लेना है, प्रभु की एक एक आज्ञा का पालन करना है। पाप कितना खतरनाक है, अभी मैंने कुछ शब्दों में समझा दिया है। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में प्रभु क्या वचन कहता है, पुत्र जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो, क्योंकि यदि वह तेरे पास आएगा वो तुम्हें काटेगा और उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। पाप के दांत सिंह के दांतों की तरह है, जो मनुष्य की आत्मा का विनाश कर देते हैं और मनुष्य को खोखला कर देता है, मनुष्य को खाली कर देता है। प्रभु यीशु हमें पाप से छुड़ाने आए हैं। 1 यूहन्ना 3:8, शैतान के कार्यों को समाप्त करने आए हैं, हमें मुक्ति दिलाने आए हैं। ये तभी संभव है जब हम पाप को छोड़कर पश्चाताप के द्वारा प्रभु की ओर फिरेंगे। प्रभु हमें छुटकारा देंगे। छुटकारा देने के लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमारे उद्धार के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है। पाप को ना कहना है और प्रभु की ओर मुड़ना है, हमारा उद्धार हो जाएगा। उड़ाओ पुत्र, जो पापमय अवस्था में जी रहा था उसका फल भोग रहा था, जिस समय उसने निर्णय लिया कि मैं पिता की ओर जाऊंगा, पिता के भवन में जाऊंगा, वो पिता के घर की ओर चल पड़ा, बाकी काम पिता ने किया। पाप को हल्के से नहीं लेंगे, पाप का तिरस्कार करेंगे।
जब हमें पाप से मुक्ति मिलेगी हमारा उद्धार होगा, वरना नहीं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करेंगे और अपने देश के लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, सारी दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। लोगों ने पाप को हल्के से लिया है, जैसे प्रभु अपने हृदय से दुख के साथ बताते हैं, उन्होंने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया है, क्योंकि वे पाप में कार्य करते हैं, उनके कर्म बुरे हैं। प्रार्थना करें संसार भर के सभी लोगों के लिए कि प्रभु उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करें, उनको अपने पाप का एहसास हो कि पाप कितना भयानक है, पाप हमारी जिंदगी को कैसे बर्बाद करता है, उसका तिरस्कार करने के लिए और प्रभु की ओर मुड़ने के लिए हम सबको कृपा मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद इस समय के लिए, तेरे अनुग्रह के समय के लिए धन्यवाद यीशु, तेरे पवित्र वचनों के लिए द्वारा तूने हमें समझाया है कि बेटा पाप तुम्हें बर्बाद करेगा, तुम प्रभु की ओर फिरो, पाप को छोड़ो। कृपा दीजिए प्रभु, कृपा दीजिए, हमारे हृदयों को नाजुक बनाइए, हमारे अंतःकरण को नाजुक बनाइए कि हर अपराध से बचे रहें। प्रभु का वचन करता है हर अपराध उधारी तलवार के सदृश, छोटे से लेकर बड़े अपराध से हम बचे रहें। प्रभु कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। आराधना में हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की, जय बोलो। Oh,
चंगा किया यीशु ने, रोगी को चंगा किया यीशु ने, अरे मुर्दों को जिंदा किया यीशु ने, मुर्दों को जिंदा किया यीशु ने, हाँ रोगी को चंगा किया यीशु ने, रोगी को चंगा किया यीशु ने। बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह हालेलुया।
हम इस समय जीवित ईश्वर की उपस्थिति में है, पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति में है। आप जहां कहीं भी हो इस समय आराम से बैठें, अपने हाथों को खुला रखें, अपनी आंखों को बंद रखें, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आपको आपकी मां के गर्भ में बुनने वाले उस परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करना, आपके जीवन के हर एक मोड़ पर आपके साथ रहने वाले उस प्रभु की उपस्थिति महसूस करना, ये विश्वास करना कि वही प्रभु है जिसने कहा है, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। ये विश्वास करना कि ये वही प्रभु है जो मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से महिमा के साथ जी उठे हैं। ये विश्वास करना कि ये वही प्रभु है जिसने लाजरस को मरने के बाद चौथे दिन जिंदा किया था। ये वही प्रभु है जिसने रोगियों को चंगा किया था, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोलने के लिए वाणी दी, बहरों के कानों को खोल दिया, बंधनों में पड़े लोगों को स्वतंत्र किया, पापियों को पाप से के दलदल से बाहर लाया। उस प्रभु की उपस्थिति समय महसूस करना, समुद्र को शांत करने वाले प्रभु की उपस्थिति, पानी को अंगूरी में परिवर्तित करने वाले प्रभु की उपस्थिति, 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाने वाले प्रभु की उपस्थिति, एक सर्वशक्तिमान सब कुछ करने में समर्थ प्रभु की उपस्थिति। अपने हृदय और मन को प्रभु की उपस्थिति में खोलिए, अपने विश्वास को बुलंद कीजिए, ये विश्वास कीजिए कि मेरा प्रभु मेरे साथ है और ये समय हमारे लिए अनुग्रह और आशीष का समय है, चमत्कार और चिन्हों का समय है। विश्वास करने समय पूर्ण विश्वास करना, मेरे पीछे दूर आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तूने मेरी थाह ली है, प्रभु तूने मेरी थाह ली है, तू मुझे जानता है, तू मुझे जानता है, तू मुझे जानता है, तू मुझे जानता है, मैं चाहे लेटूं, मैं चाहे लेटूं या बैठूं, या बैठूं, तू जानता है, तू जानता है, तू दूर रहते हुए भी, तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है, मेरे विचार भांप लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं चाहे चलूं या लेटूं, मैं चाहे चलूं या लेटूं, तू देखता है, तू देखता है, मैं जो भी कहता हूं, मैं जो भी कहता हूं, तू सब जानता है, तू सब जानता है। मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई, मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु, कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया, तू उसे पूरी तरह जान गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है, तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है, तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है, मेरी रक्षा करता रहता है, तेरी सूक्ष्म दृष्टि, तेरी सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है, मेरी समझ के परे है। ये इतनी ऊंची है, ये इतनी ऊंची है कि मैं इसे छू नहीं पाता, मैं इसे छू नहीं पाता। मैं कहां जाकर, मैं कहां जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं, तुझसे अपने को छिपाऊं। मैं कहां भाग कर, मैं कहां भाग कर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं, तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं। यदि मैं आकाश तक चढ़ूं, यदि मैं आकाश तक चढ़ूं, तू वहां है, तो तू वहां है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं, यदि मैं अधोलोक में लेटूं, तू वहां है, तू वहां है। यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर, यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं, समुद्र के उस पार बस जाऊं, वहां भी तेरा हाथ, तो वहां भी तेरा हाथ मुझे ले चलता, मुझे ले चलता। वहां भी तेरा दाहिना हाथ, वहां भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है, मुझे संभालता है। यदि मैं कहूं, यदि मैं कहूं अंधकार मुझे छिपाए, अंधकार मुझे छिपाए, रात मुझे चारों ओर से घेर ले, रात मुझे चारों ओर से घेर ले, तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं है, तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं है, और रात दिन की तरह प्रकाशमान है, रात दिन की तरह प्रकाशमान है, अंधकार तेरे लिए प्रकाश जैसा है, अंधकार तेरे लिए प्रकाश। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर उस प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर बैठेंगे आराधना में हमारे भाई बहन, फिर एक गीत के द्वारा हमारी अगुवाई करेंगे।
हम प्रभु की आराधना करेंगे। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सब लोग मिलकर दोहराएंगे, यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आपा पिता आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। Yes, 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 yes.
अपनी आंखों को खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन में हमने इस बात पर मनन किया कि मनुष्य अपने पापों के बोझ से दब रहा है। ये एक सच्चाई है। सबसे पहले मनुष्य को यह जानना चाहिए कि पाप विनाशकारी है, और जब उसके अंदर पाप रहता है उसके अंदर विनाश का भी कार्य जारी है। प्रभु ने हमें आमंत्रित किया है, आह्वान किया है। पूरी बाइबल में जब से आदम और हवा के पतन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद से प्रभु ईश्वर मनुष्य को आह्वान करता है, कहता है पश्चाताप करो, मेरी ओर लौट आओ। पश्चाताप का तात्पर्य ही प्रभु की ओर, ईश्वर की ओर लौट जाना है, पीछे मुड़ना है। हमें अपने जीवन में एक निर्णय लेना है। देखिए विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 15 और 19 में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रखता हूं, तुम जीवन को चुनो और जीवित रहो। मनुष्य को चुनना है। अगर मनुष्य मृत्यु को चुनेगा तो उसका परिणाम भुगतना है, अगर मनुष्य जीवन को चुनेगा तो उसका परिणाम भी भुगतना है। हर विश्वासी को भी चुनना है। अगर हम चाहते हैं कि संसार के अनुसार, संसार के पापमय बातों में उलझे रहेंगे तो उसका परिणाम झेलने के लिए भी तैयार होना है। इसलिए हर विश्वासी को निर्णय लेना है, जीवन के पक्ष में, भलाई के पक्ष में, ईश्वर के पक्ष में। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, यजकेल के ग्रंथ के अध्याय 18 उसके वाक्य 30 से प्रभु कहते हैं, प्रभु ईश्वर ये कहता है, इसराइल के घराने, मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर ये कहता है, इसराइलियों तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए तुम मेरे पास लौट कर जीते रहो। प्रभु इस सत्य को हमारे सामने रखते हैं कि तुम मरो मत, क्योंकि पाप का परिणाम है मृत्यु। हम पढ़ेंगे इतिहास में भी अध्याय 55 उसके वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, पापी अपना मार्ग छोड़ दें और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। हमें प्रभु के पास लौटाना है, निर्णय लेना है। योएल के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 12 और 13 प्रभु कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौटाओ, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु और अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वो सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वो द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु चाहते हैं कि हम बुराई के मार्ग को छोड़ दें और प्रभु के मार्ग पर चले जाएं, जीवन का मार्ग, विकास का मार्ग, अनुग्रह का मार्ग, आशीष का मार्ग। आज हमें निर्णय लेना है, एक पक्का निर्णय। सबसे पहले सच्चाई को जानना है कि हम पाप के परिणाम से बच नहीं सकते। वचन में लिखा हुआ है कि विपत्ति पापी का पीछा करती है। इसलिए हमें निर्णय लेना है। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। आज हमें निर्णय लेना है कि हम ईश्वर के साथ हैं, हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं। आज हमें निर्णय लेना है कि हम शैतान का परित्याग करते हैं, शैतान के हर प्रपंच, हर प्रलोभन का परित्याग करते हैं, शैतान की हर प्रतिज्ञा का परित्याग करते हैं।
आइए हम लोग इस समय दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया, मुख खोलकर हालेलुया 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 हालेलुया। मैं स्वर्ग पृथ्वी के सृजनहार, मैं स्वर्ग पृथ्वी के सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ उसके एकलौते पुत्र, उसके एकलौते पुत्र यीशु मसीह पर, यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान पर, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान पर मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास मैं पवित्र आत्मा पर, मैं पवित्र आत्मा पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ पवित्र कलीसिया पर, पवित्र कलीसिया पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शक्ति और सामर्थ्य है, शक्ति और सामर्थ्य, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ स्वर्ग में और पृथ्वी पर, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार, पूरा अधिकार यीशु को मिला है, यीशु को मिला है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं शैतान का परित्याग करता हूँ, 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 शैतान की हर प्रतिज्ञा, शैतान की हर प्रतिज्ञा, हर प्रपंच का, हर प्रपंच का परित्याग करता हूँ, परित्याग करता हूँ शैतान की हर प्रतिज्ञा, शैतान की हर प्रतिज्ञा और प्रपंच का, और प्रपंच का तिरस्कार करता हूँ, तिरस्कार करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है। मैं पाप के मार्ग का, मैं पाप के मार्ग का तिरस्कार करता हूँ, तिरस्कार करता हूँ। मैं प्रभु के मार्ग पर, मैं प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए, चलने के लिए इरादा रखता हूँ, इरादा रखता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु इस पवित्र समय के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारी प्रतिज्ञा को तूने सुना है, हमें पवित्र कर। तूने स्वयं उस कोड़ी से कहा, मैं ही चाहता हूं पवित्र हो जाऊं, मैं यही चाहता हूं पवित्र हो जाऊं, शुद्ध हो जाऊं। हमें शुद्ध और पवित्र कर। हमारे परिवार पर जो पाप का असर पड़ा है, परिवार के सदस्यों के पाप का असर, अविश्वास और अंधविश्वास के पाप का सर, प्रेम रहितता के पाप का सर, घृणा ईर्ष्या जलन के पाप का सर, झूठ बेईमानी के पाप का सर, अश्लीलता वासना हर प्रकार के लैंगिकता संबंधी पाप का सर हमारे परिवार से मिटा देना यीशु। हमारे परिवार को और हमारे घर को शुद्ध और पवित्र करना यीशु, तेरी कृपा के योग्य बनाना यीशु। हम एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं, हम जीवन के मार्ग को अपनाना चाहते हैं। प्रभु यीशु समय पवित्र करना, शुद्ध करना, पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे परिवारों को शुद्ध और पवित्र कर। हम पवित्र आत्मा को भेजकर हमें शुद्ध और पवित्र कर। दोनों हाथों को स्वर्ग की उठाइए, स्वतंत्र होकर इस समय प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु के शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं, अलग अलग प्रकार के रोग, यीशु के पवित्र नाम पर विश्वास करते हुए अपने सारे रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना हो। प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, प्रभु यीशु ने सब रोगियों को चंगा किया। वचन में लिखा हुआ है, जितनों ने उनको स्पर्श किया वे सबके सब चंगे हो गए। यीशु ने स्पर्श करके लोगों को चंगा किया, यीशु ने शब्द कहकर लोगों को चंगा किया, यीशु ने दूर से चंगा किया, पास से चंगा किया। प्रभु यीशु चंगाई दाता, ईश्वर की करुणा, ईश्वर की दया, और उस यीशु पर विश्वास करना, समय पूर्ण विश्वास करना कि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने रोग को यीशु के हाथ में समर्पित करना, कोई भी रोग हो, कैंसर के रोग, एड्स का रोग, कोविड का रोग, डेल्टा का रोग, ब्लैक फंगस का रोग, टीबी का रोग,
कोई भी रोग हो, हर रोग को इस समय यीशु के अधीन करना, यीशु को इस समय आपको स्पर्श करने देना, आपके शरीर को, मन हृदय को स्पर्श करने देना, समर्पित हो जाइए पूरी तरह से, यीशु पर विश्वास लाइए, आंखें मंद कीजिए, अपने रोगों को यीशु को समर्पित कीजिए, इसी वक्त यीशु को आपको स्पर्श करके चंगा करने दीजिए, यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए, यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए। प्रभु यीशु इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे एक एक भाई बहन को तेरा पवित्र हाथ स्पर्श करे, उनके सर पर अपना हाथ रख यीशु, चंगाई का हाथ, आशीष का हाथ, अभिषेक का हाथ यीशु, लेट देयर बी माइटी हीलिंग राइट नाउ, एक महान चमत्कार होने दीजिए, चंगाई होने दीजिए, तेरे नाम पर चमत्कार हो जाए, शरीर का एक एक रोग मिट जाए यीशु के नाम पर, इसी वक्त इसी वक्त इसी वक्त। हालेलुया 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 यीशु हम में से कई लोगों को स्पर्श कर रहे हैं, कुछ बहनें, जवान युवतियां जिनके गाल पर सफेद दाग है या किसी प्रकार की ऐसे काला या सफेद दाग जिसके कारण वे बहुत ज्यादा उदास रहती हैं, अपने में हीन भावना महसूस करती हैं, यीशु ने इसी वक्त आपको स्पर्श किया है, आपका दाग मिट रहा है, आपको चंगाई मिल रही है। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्षी देना, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, धन्यवाद यीशु। कई लोग जो अपने गले से बोल नहीं पाते हैं, पानी भी लेना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा दर्द जैसा महसूस होता है, प्रभु यीशु ने आपके गले को समय स्पर्श किया है, आपको चंगा किया है। साक्षी सुनाना, प्रभु को बार बार धन्यवाद देना। चलने फिरने में बहुत तकलीफ महसूस करती है कुछ नारियां और पुरुष, प्रभु यीशु ने आपके पैरों को शक्ति दी है, ताकत दी है, धन्यवाद देना, प्रभु को धन्यवाद देना, साक्षी सुनाना। कोई भी भारी चीज उठाना मुश्किल है, भारी चीज उठा नहीं पाते हैं क्योंकि शरीर में दुर्बलता है, प्रभु यीशु ने आपको स्पर्श किया है। कोई भी भारी चीज उठाना मुश्किल है, ऐसे कुछ भाई बहनों को उनके शरीर में कमजोरी है, और कोई भी भारी चीज उठाना मुश्किल होता था, ऐसे कई भाई बहनों को प्रभु यीशु इसी वक्त स्पर्श कर रहे हैं। आपके शरीर में जो कमजोरी है प्रभु यीशु इसी वक्त दूर कर रहे हैं, आपको भारी चीजें उठाने के लिए ताकत दे रहे हैं। धन्यवाद देना, साक्षी सुनाना, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जो अपने भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थे, विशेष करके घर को चलाने के बारे में चिंतित थे, कहां भोजन के लिए सामग्रियां लाएंगे। प्रभु ने आपके लिए विशेष प्रबंध किया है, आने वाले सप्ताह में आप देखेंगे कई लोगों के द्वारा आपको मदद दी जाएगी। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्षी सुनाना, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। अभी परम प्रसाद की आशीष, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज की रोटी और 6:30 बजे मिसा बलिदान, दोपहर को 3 बजे करुणा माला और रात को 9 बजे आराधना कृपाधारा होगी। जरूर इस कार्यक्रम में, इन कार्यक्रमों में भाग लेना। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग युवाओं के लिए, हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे पवित्र रक्ताभिषेक साधना प्रार्थना, और रविवार को ये सत्संग और मिसा बलिदान सुबह 5 बजे। आइए परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करें। जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसमें तेरा सामर्थ्य उंडेल दीजिए,
हालेलुया 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 यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल और इस तेल को, और इस तेल को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, सौंप देते हैं। इसे शुद्ध कीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, इसे पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए। तेरा सामर्थ्य उंडेल दीजिए, तेरा सामर्थ्य उंडेल। जो भी इसे धारण करे, जो भी इसे धारण करे, जो भी इसे ग्रहण करे, जो भी इसे ग्रहण करे, उन्हें चंगाई मिले, उन्हें चंगाई मिले, आत्माओं से छुटकारा मिले, आत्माओं से छुटकारा मिले, बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा, फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं।